नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज मैं आपको डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स, डिप्लोमा इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, जिसके बारे में मैं आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में समझाने वाला हूँ, जो दोस्तों आपके आरजीपीवी डिप्लोमा फाइनल ईयर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। क्वेश्चन फर्स्ट, की आर नॉर्मली मेड फ्रॉम, जो की है वो नॉर्मली किससे बनाई जाती है, किस धातु की है जो की बनाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन कोल्ड रोल्ड माइल्ड स्टील बार्स, सेकंड ऑप्शन है फोर्ज स्टील। कोल्ड का मतलब है कि हम रूम टेम्परेचर पे रोलिंग मशीन के थ्रू दो रोलर के बीच से पास करा के हम इसको बनाते हैं, तो इसमें कोल्ड रोल्ड मशीन के थ्रू भी बना सकते हैं। सेकंड आपका ऑप्शन है फोर्ज्ड, फोर्ज का मतलब होता है दोस्तों पीट पीट कर, हार्ड रोल्ड माइल्ड स्टील, कोल्ड रोल्ड कार्बन स्टील। तो इसमें से जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन ए, कोल्ड रोल्ड माइल्ड स्टील बार्स। जो माइल्ड स्टील का बार है उसको कोल्ड रोल्ड, कोलिंग, कोल्ड मतलब रूम टेम्परेचर पे हम इसको बनाते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। सेकेंड है फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशो ऑफ, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है ये किस किस का अनुपात होता है। टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, या फिर वियरिंग स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। तो दोस्तों फैक्टर ऑफ सेफ्टी है जो ये हमारा यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, ये हमारा ऑप्शन बी है जो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लीव और मफ कपलिंग इज डिजाइन एज ए, जो स्लीव और मफ कपलिंग होती है ये किसके लिए डिजाइन होती है। डन सिलेंडर, थिक सिलेंडर, साइलेंट शाफ्ट या होलो शाफ्ट। तो दोस्तों स्लीव और मफ कपलिंग जो डिजाइन की जाती है वो हमारे होलो शाफ्ट के लिए डिजाइन की जाती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द रोलिंग कॉन्टैक्ट वेयरिंग आर नोन एज, जो रोलिंग कॉन्टैक्ट वेयरिंग है उसको हम किस नाम से जानते हैं। थिक लुब्रिकेटेड वेयरिंग, प्लास्टिक वेयरिंग्स, एंटी फ्रिक्शन वेयरिंग्स या थिन लुब्रिकेटेड वेयरिंग। तो इसको हम दोस्तों किस नाम से जानते हैं, प्लास्टिक वेयरिंग। मीन्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा प्लास्टिक वेयरिंग। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इन लीफ स्प्रिंग, जो दोस्तों लीफ स्प्रिंग होता है, द लॉन्गेस्ट लीफ इज नोन एज, जो लीफ स्प्रिंग होता है जिसके ऊपर एक के ऊपर एक हमारी इस तरह से लीफ्स लगाई जाती हैं, जो जिसको हम कमानी के नाम से जानते हैं, तो इसमें जो लॉन्गेस्ट लीफ होती है, जो सबसे बड़ी लीफ होती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं। लोअर लीफ, मास्टर लीफ, अपर लीफ या नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसको हम जानते हैं किस लीफ के नाम से, इसको हम जानते हैं मास्टर लीफ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मास्टर लीफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द टेपर ऑन कार्टर वेरीज फ्रॉम, जो हमारा कार्टर ज्वाइंट होता है उसका जो टेपर होता है, टेपर ये हमारा 1:15 to 1:10, 1:24 to 1:20 एंड 1:32 to 1:24, 1:48 to 1:24। तो इसका जो टेपर जो होता है कार्टर में वो हमारा होता है 1:48 to 1:24। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, 1:48 to 1:24। सेवेंथ नंबर, द मेटल सूटेबल फॉर वेयरिंग सब्जेक्टेड टू लाइट लोड्स, जो धातु है वो कौन सी है जो वेयरिंग्स के लिए उपयोगी होती है, सूटेबल होती है सब्जेक्टेड टू लाइट लोड, मींस कम लोड के लिए, हल्के लोड के लिए। सिलिकॉन ब्रांच, व्हाइट मेटल, मोनल मेटल या फास्फोरस ब्रांच। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, इसमें हमारी होती है फास्फोर ब्रांच। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ नकल ज्वाइंट, जो नकल ज्वाइंट है इसका कौन सा पार्ट है जो इंपॉर्टेंट है। आई, पिन, फॉर्क, डी, ईच ऑफ दी मेंशन।
तो इसका जो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, ईच ऑफ दी मेंशन मींस ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दी फॉलोइंग इजंट ए मेन पार्ट ऑफ रिवेट, रिवेंट का रिवेट है जो होती है उसका कौन सा है जो मेन पार्ट्स नहीं है, हेड सेंक पॉइंट थ्रेड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी थ्रेड, थ्रेड रिवेट का मेन पार्ट्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट टाइप ऑफ फेल्यूर विल आकर व्हेन रिवेट्स आर स्मॉलर देन नेसेसरी, किस कारण से फेल्यूर होता है रिवेट का स्मॉलर हो जब आवश्यक हो, टीयरिंग ऑफ प्लेट बिटवीन द होल्स, टीयरिंग ऑफ प्लेट बिटवीन द एज, शेयरिंग ऑफ रिवेट्स या क्रशिंग ऑफ प्लेट। तो दोस्तों शेयरिंग 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 ऑफ रिवेट मींस ये हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी शेयरिंग ऑफ रिवेट। ये रिवेटेड ज्वाइंट है जी, रिवेटेड ज्वाइंट जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, टेम्परेरी ज्वाइंट है, परमानेंट ज्वाइंट है, टेम्परेरी एज वेल एज परमानेंट है या कोई भी नहीं है। तो जो रिवेटेड ज्वाइंट है वो दोस्तों हमारा कहलाता है परमानेंट ज्वाइंट, जिसका करेक्ट ऑप्शन है बी परमानेंट ज्वाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये रिवेटेड ज्वाइंट इज यूज्ड इन ए, जो रिवेटेड ज्वाइंट है उसका उपयोग कहां पे होता है दोस्तों, ये रिवेटेड ज्वाइंट यूज्ड इन ए कहां पे उपयोग किया जाता है, प्रेशर वेसल, पाइप, स्ट्रक्चर या कोई भी नहीं। तो इसका जो रिवेटेड ज्वाइंट है इसका दोस्तों यूज करते हैं किसमें, स्ट्रक्चर में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 13, मार्जिन इन ए रिवेटेड ज्वाइंट इज इक्वल टू, जो रिवेटेड ज्वाइंट होता है उसका जो मार्जिन होता है वो किसके बराबर होता है, डायमीटर के या 5 टाइम्स ऑफ डायमीटर, 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर या कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ए, किसके, डायमीटर के, डी के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवेटेड ज्वाइंट फेल वाई, जो हमारा रिवेट होता है वो रिवेटेड ज्वाइंट में किसके कारण फेल होता है, टीयरिंग, शेयरिंग, बेंडिंग या कोई भी नहीं। तो दोस्तों रिवेट रिवेटेड ज्वाइंट में जो टूटता है, फेल होता है, ब्रेक होता है वो किस कारण से होता है, शेयरिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वी शेयरिंग। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कार्टर ज्वाइंट, इसमें से कौन सा जो पार्ट है जो कार्टर ज्वाइंट का भाग नहीं है, स्कॉट, स्पिगॉट, कार्टर या कॉलर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कॉलर, कॉलर मींस डी, जो कॉलर है ये हमारे कार्टर ज्वाइंट का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्टर ज्वाइंट इज यूज्ड व्हेन द मेंबर आर सब्जेक्टेड टू विच टाइप ऑफ स्ट्रेस, कॉपर ज्वाइंट का हम उपयोग कब करते हैं, जिस उस पर किस तरह का जो लोड है वो लगता है, एक्सियल टेंसाइल, एक्सियल कंप्रेसिव या एक्सियल टेंसाइल या कंप्रेसिव या नॉन ऑफ दी मेंशन। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है, कार्टर ज्वाइंट का उपयोग करते हैं जब मेंबर पे कौन सी स्ट्रेस होती है, एक्सियल टेंसाइल या कंप्रेसिव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लच एंड फ्रिक्शन लाइनिंग आर डैश डैश टू द क्लच प्लेट, ये क्लच से संबंधित है। तो ये क्लच जो होती है उसमें जो फ्रिक्शन लाइनिंग है वो क्लच प्लेट पे क्या होती है, रिवेटेड होती है, बेल्टेड होती है, बोल्टेड होती है, एनी ऑफ दी एबो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रिवेटेड, क्लच जो फ्रिक्शन लाइनिंग होती है वो क्लच प्लेट पे वो क्या होती है, रिवेटेड होती है, रिवेटेड होती है। ओके, द फॉलोइंग नॉट ए फ्रिक्शन क्लच, इनमें से कौन सा क्लच है जो फ्रिक्शन क्लच नहीं है, फ्लूट क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच, डिस्क क्लच या कॉन क्लच। तो दोस्तों जो फ्लूट क्लच है ये हमारा क्या होता है, फ्रिक्शन क्लच नहीं होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए फ्लूट क्लच। द फॉलोइंग इज नॉन एज पॉजिटिव क्लच, इसमें से हम किसको पॉजिटिव क्लच के नाम से जानते हैं, सिंगल प्लेट क्लच के लिए या कॉन क्लच के लिए या डॉग क्लच या सेंट्रीफ्यूगल क्लच। तो दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल क्लच तो हमारा ऑटोमेटिक क्लच होता है, तो इसमें जो हमारा पाजिटो क्लच है वो है हमारा डॉग क्लच। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी डॉग क्लच। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसका, द टॉर्क विच ए क्लच कैन ट्रांसमिट डिपेंड अपॉन द, जो क्लच टॉर्क को ट्रांसमिट करता है वो किस पर निर्भर करता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स, कॉन्टेक्ट सरफेस या ऑल ऑफ दी एबो। तो दोस्तों जो
निर्भर करता है, जो हमारा टॉर्क है वो क्लच के किस पर निर्भर करता है, इन सभी पर निर्भर करता है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन पे भी, स्प्रिंग फोर्स, कॉन्टेक्ट सर्फेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। थैंक यू, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।